और इस वक्त मैं मौजूद हूं अजमेर के सागर विहार कॉलोनी में, जो शहर के प्रथम नागरिक का वार्ड है। और इस वार्ड के अंदर तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग रहते हैं। और स्थिति आपको मैं दिखाता हूं, ये मैं अभी यहां से आगे नहीं गया हूं, आधे रास्ते तक ही पहुंचा हूं, और आपको मैं दिखा रहा हूं कि ये मेरे घुटने के ऊपर पानी आ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अजमेर किस तरीके से जलमग्न हो गया है। बाढ़ जैसे हालात अजमेर के कई इलाकों के अंदर हैं। गाड़ी सिर्फ डिज़ायर आपको गाड़ी दिखाई दे रही होगी, जो पूरी आधी डूब चुकी है, उसके आगे आपको कार दिखाई दे रही होगी। और तमाम ये जो घर जितने भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने अपने बिल्डिंगों पे ऊपरी जो ऊपरी हिस्सा है घर का, वहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। निचले हिस्से से तमाम लोग खाली कर चुके हैं मकानों को और अपने ऊपर हिस्से में पहुँच चुके हैं। कुछ क्षेत्रवासी हैं जिनके हाथ में आपको टिफ़िन भी दिख रहा होगा, इनसे हम बात कर लेते हैं। यहाँ से जा रहे हैं, कितना टाइम हो गया है, कितने टाइम से बाबूजी यहाँ पानी भर गया हुआ है, और तकरीबन कितने लोग इस कॉलोनी में रहते होंगे? 2000 से 3000 इस कॉलोनी में लोग रहते हैं, और हर बरसात में एक आधे पौन घंटे की बारिश में ही ये हाल हो जाता है जो अभी आप देख रहे हो। अब ये हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में बिजली आपके घरों में इस वक्त है या नहीं है? जा रही है, आ रही है। बिजली जा रही आ रही है। करंट का कोई डर अभी इस वक्त कोई कॉलोनी में किसी प्रकार की कोई खबर इस तरीके से? करंट भी सकता है, करंट का डर हो भी सकता है। ये पानी अगर निकालने की व्यवस्था, जैसा आपने कई सालों में देखा होगा पिछले, क्या ये पानी निकल जाता है तुरंत या इसमें वक्त लगता है? नहीं, इसमें कम से कम 2 या 3 दिन का वक्त लगता है। 2 से 3 दिन का तकरीबन इसमें वक्त लगता है। और ये आना सागर के बिल्कुल करीब का ये हिस्सा है। मैं आपको तमाम घर मैं आपको दिखा चुका हूँ, गाड़ियाँ दिखा चुका हूँ। ये आगे एक और गाड़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे आप दिख रहा होगा, एक नौजवान अपनी साइकिल को लेकर आ रहा है। आपको पानी की स्थिति दिख रही होगी कि पानी का स्तर क्या है। घर से बाहर अब कोई भी नहीं निकल सकता, यानी कि ये अजमेर का इलाका इस तरीके का हो चुका है कि आप किसी को भी यहाँ से अगर बाहर निकलना है तो उसको नाव की ज़रूरत है। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अजमेर के प्रथम नागरिक का ये वार्ड है। आपके सामने तस्वीर है, आप देखिए बाबूजी हैं उस तरफ, बाबूजी के पास चलते हैं, हमने हमसे बातचीत के लिए बुला रहे हैं। आपको पूरा इलाका हम दिखा रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए हैं तो हमें दिखाई दे रहे हैं बाबूजी, उन बाबूजी से हम बात करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। अजमेर कलेक्टर ने NDRF को अलर्ट मोड पर जारी कर रखा है, लेकिन यहाँ पर आकर स्थिति, सबसे पहले MPTV इंडिया यहाँ पर पहुँचा है ग्राउंड जीरो पे, और जो हालात हैं वो बाबूजी से हम जान लेते हैं। बाबूजी, कितने समय बाद ये पानी यहाँ भर गया और अब स्थिति कैसे बाहर? 75 के बाद में आज भरा, बता दें आज ही भरा है 75 के बाद में। अब यहाँ से बाहर निकलने का क्या, घर में राशन बिजली है? कुछ भी नहीं है, दूध वगैरह सब बंद है ही नहीं, सुबह खत्म हो गए थे, उसके बाद न दूध है न पानी है। प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी कुछ यहाँ नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जो पानी यहाँ से शिफ्टिंग होता था, वो पानी की जितनी भी मशीनें हैं वो सब बंद है, इसकी वजह से पानी इकट्ठा हुआ हुआ है। जितनी भी मशीनें यहाँ पर इस पानी को शिफ्ट करने के लिए लगती हैं, वो मशीनें यहाँ पर ख़राब है। ये देखिए आप स्थिति देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी यहाँ तक है। नौजवान साथी वहाँ से आए, आगे तक आगे लेके चलता हूँ, क्योंकि आगे के कुछ लोगों ने MPTV इंडिया को फ़ोन करके इस पूरी जगह के बारे में जानकारी दी थी। और उस जानकारी के बाद मैं MPTV इंडिया सबसे पहले यहाँ पहुँचा है। आगे की स्थिति कैसी होगी हमें नहीं पता, और जितना गंदा इस वक्त पानी नज़र आ रहा है, संभावनाएं करंट की भी हो सकती है, संभावनाएं जंगली जानवरों की भी हो सकती हैं। आगे हमें लगता है कि आगे हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने MPTV इंडिया को फ़ोन कर यहाँ पर बुलाया, और उन्होंने कहा कि प्रशासन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचा है, और इसीलिए MPTV इंडिया प्रशासन के लिए इस तस्वीर को लेकर आया है। आपके देखिए बाबूजी अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, प्रशासनिक अमले को, अजमेर के कलेक्टर को ये तस्वीर देखनी चाहिए, जिस तस्वीर से वो अभी बाखबर होंगे, जो तस्वीर उनके पास अभी तक पहुंची भी नहीं होगी। यहाँ के पार्षद जो अजमेर के मेयर भी हैं, उन तक ये जानकारी मुझे लगता है कि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जिस रफ्तार से एक्शन यहाँ पर होना चाहिए था वो फ़िलहाल नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी घर हैं वो अपने घरों के अंदर ही कैद होने पर मजबूर हो चुके हैं। खैर, देखना होगा कि इस तस्वीर को दिखाने के बाद यहाँ के रहने वाले जो क्षेत्रवासी हैं उन्हें कब तक
इन हालातों से बाहर निकाला जाता है। सुबह 9 बजे से बारिश हो रही है और अभी तक आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है यहाँ पे, निकल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ आ ही नहीं सकता, हम घर के बाहर ही नहीं जा सकते, तो आएगा कैसे कुछ? कौन सा वार्ड है ये? क्या वार्ड नंबर? कौन सा वार्ड नंबर? ये मेयर साहब का सीन वार्ड नंबर, मेयर 56 वार्ड, 56 मेयर साहब। यहाँ पे जानवर भी आ रहे हैं, सांप घर में आ रहे हैं, हमारे घर में ये छोटा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है, घर में सांप आ रहे हैं, कीड़े मच्छर सब आ रहे हैं, और ये गंदगी देखो घर के अंदर। आपका नाम बताइए? निकिता। और इस वक्त मैं आपको जगह पर लेकर आया हूँ जहाँ पर पंप सेट लगे हुए हैं, तीन ये पंप सेट हैं, फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों से स्थानीय जो क्षेत्रवासी हैं वो बातचीत कर रहे हैं, उनका जो आक्रोश है उसका भी सामना अधिकारियों को करना पड़ा है। 6 पंप सेट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पर 6 पंप सेट से पानी की निकासी की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जब हम मौके पर क्षेत्रवासी एनडीटीवी इंडिया को लेकर आए हैं तो यहाँ पर 3 पंप सेट से पानी इस वक्त बाहर निकाला जा रहा है। ये पानी तकरीबन 2000 लोगों को दिक्कत हो रही है इस पानी से, और ये कह सकते हैं कि सागर जो बिहार जो कॉलोनी है ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हैं, बारिश का मौसम एक बार फिर यहाँ पर बन चुका है और बारिश की बूंदें यहाँ पर लगातार शुरू हैं। क्षेत्रवासी जो हैं वो फायर अधिकारियों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, क्षेत्रवासी हमारे साथ हैं। 6 पंप सेट की बात कही जा रही थी कि 6 पंप सेट यहाँ पर लगे हुए हैं, अब मौके पर आने के बाद बिल्कुल आज मात्र 3 पंप सेट नज़र आ रहे हैं, जबकि इनको हमेशा कहा गया कि कम से कम 6 पंप सेट लगाए जाएं, और इससे पहले जब 4-5 साल पुरानी बात है जब पानी आया करता तब 6 पंप यहाँ लगे रहते थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं प्रशासन ने क्यों हटाया, क्या कारण था, क्या कमी रही तो अभी हम नहीं जानते, लेकिन आज मात्र मौके पर 3 पंप सेट हैं, और इस पंप सेट की कैपेसिटी को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि जो पानी जिस तरीके से भरा हुआ है वही 3 पंप सेट से आज निकले ना 3 दिन निकले, 3 दिन तक हमें मरण के हालत में रहने के लिए हमारे प्रशासन के अधिकारी जो फायर ब्रिगेड के हैं ये लोग मजे ले रहे हैं, किसी प्रकार की कोई हमारे को राहत देने के इनको लग नहीं रहा इस तरह का, मतलब इन पंप 3 पंप सेट का पानी निकल जाएगा, आप खुद देखें इसके अंदर आप क्या करेंगे। 2000 तकरीबन लोग हैं जो इस तरीके से घरों के अंदर हैं, 1970 के अंदर हाउसिंग बोर्ड ने एक कॉलोनी बनाकर दी बसाटी, तब उनको ये पता नहीं था कि आनासागर की डैम क्या आनासागर के ये डूब क्षेत्र में है, आज हमें ये कहा जाता है कि डूब क्षेत्र में है, तो प्रशासन को उस वक्त नजर नहीं आया था कि ये डूब क्षेत्र के अंदर है, आज अगर डूब क्षेत्र में वो मानते हैं तो इनको ये वॉल को सही कराना चाहिए, ये 3 पंप सेट जो लगाए गए इसके जगह और व्यवस्था पंप सेट की बना करके इनको व्यवस्था करनी चाहिए, वो तो दूर की बात है कि प्रशासन की कहते रही सपना है, एक सिर्फ कहते हैं कि एक हमारे को लॉलीपॉप पकड़ा करके 3 पंप सेट से हमारे लिए ये सुविधा देना चाह रहे हैं, तो आप खुद देखें इसके अंदर कि 3 पंप सेट से पानी निकलेगा, हम 3 दिन तक जिंदा रहेंगे ये इस हालत के मरते नजर आएंगे। घरों के अंदर राशन और बिजली की व्यवस्थाएं कुछ नहीं है, और आज की तारीख में बिजली का कनेक्शन जारी है, कोई भी करंट अगर पास हो जाता मर जाता है तो इन प्रशासन के अधिकारी की पूरी जिम्मेदारी होगी, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ कि कोई किसी प्रकार की कोई सेफ्टी यहाँ बरती नहीं जा रही है, आप खुद देखेंगे बिजली के कनेक्शन जारी हैं, ठीक है ना, लाइनें चालू हैं हमारे घरों के अंदर, लाइनें चालू हैं, पोल के पायर टूट के नीचे गिर चुके हैं, अगर कोई करंट बहता है कोई मिसहैपनिंग होती है तो पूरी जिम्मेदारी आपके चैनल के माध्यम से इन प्रशासनिक अधिकारी जो भी फायर ब्रिगेड के मौजूद हैं इनके होनी चाहिए हमारे। यहाँ पर हम तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा हमें हो चुका है, 2 घंटे से ज़्यादा तक हम तकरीबन कमर तक पानी हमारा भर चुका था, और उस पानी के बीच से हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, सामने जो वार्ता चल रही है फायर ब्रिगेड के जो उच्च अधिकारी हैं दोनों ही फायर ऑफिसर वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीर, जो स्थानीय क्षेत्रवासी हैं उनके आक्रोश का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रशासन के अधिकारियों को यानी कि कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को जब सूचना यहाँ की दी जा रही है, क्षेत्रवासियों का ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने फोन्स को डाइवर्ट कर रखा है, किसी प्रकार से कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मेयर साहब को मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की, गजेंद्र सिंह रलावता
नगर निगम के, उनको मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी, ना तो मेयर साहब ने फ़ोन उठाया, उनका फ़ोन बंद है, ना गजेंद्र सिंह दर्राता जी ने फ़ोन उठाया, तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठे हुए अच्छी उस सीटों पर, उन्होंने ना तो फ़ोन उठाया, ना यहाँ आकर देखा उन्होंने कि किस प्रकार की हमारी परेशानियाँ हैं, तो हम किस बात के वोट देने के लिए तो ये हमारे पास आ जाते हैं कि सर वोट बहुत चाहिए वोट, आज इस परेशानी तो आकर देखें हमारे यहाँ पर, ये क्या परेशानी है हमारी, तो किस बात हम आपको बता दें, अजमेर में हालात इतने विकट हैं इस बारिश के बाद कि MPTV इंडिया के पास इतने कॉल्स आ रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्रशासन के पास कितने आ रहे होंगे, कंट्रोल रूम जैसी व्यवस्था हमारे पास, जितने भी हमारे संपर्क हैं उन तमाम संपर्कों के ऊपर ये संदेश आ रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक बात कहना चाहते हैं कि आप ऐसी कोई समस्या, जब भी हमारा फ़ोन वेटिंग में रहे, हमारा ऑफिस नंबर वेटिंग में रहे, तो आप व्हाट्सअप पे हमको एक मैसेज भेज दीजिए, व्हाट्सअप नंबर भी हमारा हेल्पलाइन नंबर ही है, और उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द इस जिस तरीके से अव्यवस्थाएँ यहाँ पर फैली हुई हैं, जंगली जानवरों का जो डर यहाँ पर मना हुआ है, प्रशासन के अधिकारी मौका मुआयना करें, यहाँ पर आएँ, अजमेर के विधायक यहाँ पर आएँ, अजमेर के कलेक्टर यहाँ पर आएँ, और आकर कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है और उम्मीद अब यही टॉप मोस्ट क्वालिटी के अंदर होने के बावजूद हमारा क्या हाल है, कोई प्रशासनिक अधिकारी आकर देखने को उचित नहीं समझ रहा, तो मतलब किस प्रकार के ये नगर निगम के टैक्स और ये टैक्स लेते, किस बात का टैक्स दिया जाएगा फिर आगे इन बात को, हमारे को जो सुविधा के शुल्क हमारे से वसूला जाता है वो सुविधा शुल्क की सुविधा दी जाए हमारे को यहाँ करके, गरीब बस्ती बेचारे यहाँ आके देखो सर, बच्चे गरीब बच्चे परेशान हो रहे हैं, घरों के अंदर बच्चे को पानी नहीं, उनके गरीब बच्चों को पानी, अगर मकान गिर गया तो मकान गिरने के बाद किसकी जिम्मेदारी रहेगी ये बात की, आज उस पर अगर सुविधा देने के लिए टैक्स लेते हैं, हमारा कहाँ सुविधा हमारी, किस बात का टैक्स दिया जाएगा आगे, हमारा किस बात का वोट दिया जाएगा हमारे यहाँ पर, सबसे बड़ी चीज़ है। बाबूजी आपको हम दिखा रहे हैं सामने जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और उम्मीद यही है कि सरकार प्रशासन तक ये तस्वीरें पहुँचे और इस तस्वीर के माध्यम से इस तस्वीरें के माध्यम से हम यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उनको राहत, पानियाँ वहाँ का निकालिए, पानी वहाँ का निकालिए, यहाँ का नहीं है, यहाँ निकाल रखे हैं जबकि यहाँ कोई नहीं रहता है, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ का पानी निकाल रहे हैं जबकि ये पानी सारा वहाँ जा रहा है, ये नाली के मार्फत से, आप इन्होंने बैरिकेड्स ही लगा रखे हैं मिट्टी कट्टे, अगर ये कट्टे यहाँ लगा दें और ये पम्प यहाँ लग जाए तो प्रॉब्लम बहुत सॉल्व हो सकती है। अब इन्होंने क्या किया, ये पम्प यहाँ निकाले तो पानी यहाँ का निकल रहा है, यहाँ निकल नहीं रहा है क्योंकि लेबर यूँ है और मिट्टी कट्टे लगा नहीं रखे इन्होंने, तो पैसा पानी गिर रहा है, इनके अधिकारी बैठे इनको, आप ये कह रहे हैं भाई साहब मैं प्रशासन की बात करूँगा, ये लगेंगे यहाँ नहीं लगेंगे, आप बताइए कैसे निकलेगा पानी, आप बताइए, आप खुद देख रहे हैं कि मैं किस स्थिति में खड़ा हूँ, ये नाली का ये नाली खड़ी है मेरे सामने से दो पता नहीं साफ निकले हैं क्या निकले पता नहीं मेरे को। शिव विहार कॉलोनी से आया हूँ और रिटायर्ड इंजीनियर हूँ, और हमारे यहाँ 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, घरों में पानी घुस गया है और बच्चों को स्कूल जाने आने के लिए सुविधा नहीं है, तो पहले तो कल बोट की व्यवस्था करें ताकि बच्चे स्कूल आ जा सकें और पानी का निकास जल्दी हो, उसके लिए ये व्यवस्था करें कि ये जो सागर विहार वाला जो पानी है उसको यहाँ मिट्टी के बोरे रेत के बोरे लगा के और उसको कट करें, यहाँ कट करके और वो कॉलोनी शिव विहार और वन विहार सेक्टर 3 इस कॉलोनियों में जो पानी भरा हुआ है उसको निकालें, वो तभी संभव हो सकता है जब अपन इस ये जो खेत में पानी भरा हुआ है उसको अपन कट करें, बाकी अगर हम ये पूरा पानी एक साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो एक हफ्ता लग जाएगा, और मोटरों की संख्या ये जो और संख्या बढ़नी और पंप यहाँ और लगाने पड़ेंगे, यही स्थिति कुछ साल पहले हुई थी जो करीब 15 पंप लगाने पड़े थे और वो 5 दिन चले थे तब जा कर के पानी निकला था। ये कभी जो चौरसिया वाला थाला है मेन पानी वहाँ से वो जो बीच में उन्होंने फिल्टर
टाइप जो बना रखा है दीवार, इस वजह से जो उसकी आव में रुकावट हुई है उस वजह से वो पानी पुलिया के ऊपर चला और सारा जो है कॉलोनी के अंदर एंटर हो रहा है। तो इसके लिए प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि भाई ये जो बनाया है इससे बरसात का पानी जब आएगा इतनी बड़ी मात्रा में तो उसमें ये रुकावट पैदा करेगा, तो ये किस तरह से ये इसको कोई समाधान हो ताकि भविष्य में ये बरसात, भारी बरसात होने पर ये ऐसी स्थितियाँ ना बने। मैं आसवानी हूँ, यहाँ सी सेक्टर अपने शिव विहार कॉलोनी में रहते हैं और मैंने कलेक्टर को करीब 25 व्हाट्सएप से फ़ोटो भी भेजे हैं। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की है कि पानी की जल्दी से जल्दी निकासी हो। मैंने आपदा वालों से भी बात की है, आपदा वालों ने केवल एक ही ये मशीन भेजी है, इससे पानी एक हफ्ते में भी नहीं निकल पाएगा क्योंकि वहाँ पे जो नीचे का क्षेत्र जहाँ हम शिव विहार कॉलोनी में रहते हैं वहाँ घर के अंदर पानी घुसा हुआ है, इवन टॉयलेट के ऊपर से अंदर कमोटों से ऊपर पानी निकल रहा है। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए कि हम आखिर टॉयलेट करने कहाँ जाएंगे। तो ये एक सीवियर व्यवस्था है, बहुत सीरियस सीरियस क्या है? नहीं, राशन वाशन मैंने लिखा है कलेक्टर को कि हम ईटेबल गुड्स ला ही नहीं सकते क्योंकि हम बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, तो बच्चों वगैरह को ईटेबल गुड्स दी नहीं है हमने सुबह से। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है ना इस समस्या का समाधान करें और मोटरें यहाँ बढ़वाएं, तब जो है ना पीने के पानी तो जैसे टर्न के हिसाब से परसों आया था, अब कल आएगा, कल वो दिक्कत झेलनी पड़ेगी हमें।